हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो आज ऑफिस से मैं निकल चुकी हूँ और अभी मैं कुछ सामान खरीदने वाली हूँ और इस ब्लॉग को मैं आज यहाँ से ही शुरू कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू आगे देखते रहो, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं करने वाली हूँ, सारा दिन मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, हाफ डे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू देखते रहो। अभी मैं अपने बैलन पे हूँ और पता है मुझे कि अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, आगे भी दिखाई नहीं देगा। सो मैं आप लोगों से मैं बात करती हूँ रूम पे पहुँचने के बाद। मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ और अभी बनाने वाली हूँ कॉफ़ी। बहुत दिन हो गया कॉफ़ी नहीं पिया, तो ऐसे ही आज सोचा कि कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि चाय में मुझे चाय उतना पसंद नहीं है, लेकिन अभी रेगुलरली चाय ही पीना होता है, तो आज सोचा कि कॉफ़ी पीते हैं विथ वाई वाई। आई डोंट नो कि आप लोगों के उधर पे ये मिलता है कि नहीं मिलता है। ये नूडल्स ही है एक्चुअली, ये मैगी की तरह ही है, लेकिन इसका जो मसाला है, मतलब ये हम कच्चा खाते हैं, इसको बॉयल नहीं करते। कैसे खाते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो आप लोग कंटिन्यू आगे देखते रहो। अनियन और चिली काट लिया है, इसके अभी मैं ऐड करूंगी है पैकेट के अंदर मसाला रहता है ये, तो एक ऑनियन फ्लेवर का कुछ पेस्ट है और इस पे है मसाला स्पाइसेस। मैं ये पेस्ट उतना पसंद नहीं करती हूँ, मैं जस्ट ये स्पाइसेस ही ऐड करूंगी। तो ये रेडी है, अभी इसको थोड़ा सा मिर्ची भी ले लेती हूँ। ये खाना मैं एक्चुअली मैं जब पीजी में रहती थी तब मेरे कुछ ट्राइबल दोस्तों ने सिखाया था, वो लोग खाते थे, कुछ भी होता चलो मिमी खाते हैं, तो उन लोगों से मैंने सीखा है, जो कि काफ़ी टेस्टी है। सो मैं अपना कॉफ़ी और ये स्नैक्स एंजॉय करती हूँ, आप लोगों से मैं बात करती हूँ थोड़ी देर बाद। एवरीवन, सो आप लोग मत डरो, मैं पूजा ही हूँ एक्चुअली। कुछ दिनों पहले ही मैंने ये एंटी एक्ने क्ले मास्क ऑर्डर किया था, जो जिसका मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग किया हुआ है ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियो पर, तो वही मैं अप्लाई कर रही हूँ। मोटा मोटी 4-5 दिन के ऊपर हो गया है, मैं डेली यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे 4-5 दिनों में तो उतना कुछ फ़र्क नहीं, ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे अंदर से फील आ रहा है कि नहीं कुछ तो लाइक इफ़ेक्ट कर रहा है मेरे स्किन के ऊपर। अभी ये अप्लाई करने के बाद 15 मिनट्स तक वेट करना पड़ेगा, मैं अभी 15 मिनट्स तक एक वेब सीरीज़ देख रही थी, तो उसको ही मैं कंप्लीट करूँगी और ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, ये रिमूव करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स देखो मेरी रूममेट इसको क्या बोलते हैं, इससे हम खाना बनाते हैं और इससे ये चाय बना रही है, ये महान आदमी, ये महान औरत, ये औरत इससे चाय बना रही है। और यहाँ पे बन रहा है हमारा पत्ता गोभी एंड इलिश माछ का माथा से, हाँ, तो ये पत्ता गोभी बना रही है मेरी और एक रूममेट, लेकिन ये तो शायद आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा, ये टैलेंट सिर्फ मेरे रूममेट के पास है, ये टैलेंट बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, इस टैलेंट को हम सीक्रेट ही रखते हैं। और मैंने फेस वॉश कर लिया है और कुछ नहीं, अभी खाने का वेट कर रही हूँ, लेकिन आज क्योंकि थर्सडे है,
सो हम मतलब जानबूझ के नॉनवेज नहीं खाते हैं, कभी कभार ऐसे अनजाने में नॉनवेज हम खा लेते हैं, लेकिन जानबूझ के हम ट्राई करते हैं नॉनवेज नहीं खाने के लिए थर्सडे साईं बाबा के लिए। सो फिश का सर से लाइक माथा से ये जो पत्ता गोभी बना रही है मेरे रूममेट श्री, सो इसको हम खाएंगे रात के 12 बजने के बाद। तो अभी बज रहा है 9:30, तो कृष्णा ने बोला चलो थोड़ा सा चाय पीते हैं क्योंकि हम तो डिनर करेंगे रात के 12 बजे के बाद, तो थोड़ा सा पेट पूजा भी हो जाएगा। अभी वो चाय बना रही है, चाय पियेंगे और उसके बाद और कुछ करने का है नहीं, अभी ऐसा ही है, बोरिंग लाइफ है, ना टीवी है ना कुछ है, लेकिन मोबाइल से फुर्सत मिले ना, टीवी भी आजकल ऐसा हो गया ना, घर पे जाते भी जब भी मैं घर पे जाती हूँ टीवी नहीं देखना होता है, क्योंकि वो एक होता है ना टीवी देखने का क्रेज अभी एकदम भी नहीं है, मोबाइल में ही सब कुछ है। हाँ मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो 10 बजे बिग बॉस मेरा स्टार्ट होगा, बिग बॉस देखने में बैठ जाऊँगी। सो आप लोगों से मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। रात के 10 बजे अभी हम चाय पी रहे हैं। अभी हम डिनर करने वाले हैं रात के 12 बजे, बहुत भूख लगा है, जल्दी से सर्व कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से दिखाती हूँ कि हम क्या खा रहे हैं। ऑलरेडी तो दिखा चुकी हूँ मैं, फिर भी एक बार खाते टाइम दिखा दूंगी। सो टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। वैसे मुझे तो थायराइड है, पत्ता गोभी खाना इज नॉट गुड फॉर मी, बट कभी कभार चलता है। उतना अच्छा नहीं हुआ गाइस, ठीक ठाक, सच में टेस्टी है। सो मैं इस वीडियो को और नहीं खींचूंगी क्योंकि और दिखाने के लिए कुछ है भी नहीं, अभी मैं खाना करके सो जाऊंगी, बहुत नींद भी आया है। इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग देख के अच्छा ही लगा, तो अच्छा लगने से आप लोगों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट्स करके बताना पड़ेगा कि कैसा कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत मेहरबानी रहेगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, क्योंकि अभी मैं सोने ही वाली हूँ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय।